फाइनल शोर में रावी उड़ाएगी दिवाली के दिन सबके होश। आने वाले एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा तो होने ही वाला है और देखने को मिलेगा कि शिवा और रावी के तलाक की डेट आ चुकी है और यहाँ पर शिवा को रावी को दोनों को ही सुमन क्लास लगा देती है और कहती है कि तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम दोनों मुझे लगता है कंफ्यूज हो कि तुम शादी को रखना चाहते हो या तलाक लेना चाहते हो। और वो शिवा और रावी से दोनों से डिसीजन पूछती है। शिवा बेचारा बताने की कोशिश करने वाला होता है, अपने दिल की बात कहने वाला होता है, लेकिन तभी रावी के पास में वकील का कॉल आ जाता है और वो अगली डेट दे देता है, जिससे कि रावी हाँ कर देती है और सुमन भड़क जाती है और कहती है ठीक है फाइनल डिसीजन हो गया। और शिवा गलतफहमी हो जाती है कि रावी ने सच में हाँ कर दी है तलाक के लिए। तो वहीं धरा और गोम्बी भी आते हैं और वो इन दोनों का तमाशा देखकर धरा की हालत खराब हो जाती है और कहती है कि अब तुम दोनों ने इस पर विश्वास उठ चुका होगा इस स्थिति से, लेकिन मेरा विश्वास नहीं उठा है और ये तो तलाक बिल्कुल नहीं होएगा और वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को बचा के ही रहेगी। तो वहीं शिवा और रावी दोनों में इस बात को लड़ाई हो जाती है लेकर कि रावी की वजह से ही धरा की हालत खराब हुई है। तो रावी कहती है कि शिवा उनकी हालत तलाक की वजह से खराब हुई है। तो वहीं पर अब दिवाली के दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रावी और शिवा दोनों को ही यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे होते हैं, सुमन का और धरा और सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होने वाली है दिशा की भी और दिशा को खुशखबरी मिलने वाली है कि तलाक के दूसरे दिन ही सगाई भी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तलाक ही रोक देगी रावी। जी हाँ दोस्तों, तलाक का आशीर्वाद उसे सुमन देती है लेकिन वो उसी वक्त उस तलाक को रोक देगी और देखने को मिलेगा कि वो कह देगी, अपना फैसला सुना देगी और उड़ा देगी दिशा और शिवा दोनों के ही होश। तो यहाँ पर फाइनली रावी का फैसला सामने आएगा और वो इस तलाक को रोकेगी और इसी के साथ में सगाई भी नहीं होगी और ना ही कोई तलाक।